इमली और बिग बॉस 16 करने के बाद सुंबुल तौकीर खान छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स के ऑफर को सुनने और उनको सेलेक्ट करने में काफी ज्यादा बिजी हैं। हाल ही में उनके रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ट शो खतरों के खिलाड़ी 13 का हिस्सा बनने की खबर आई थी। हालांकि अभी मुहर नहीं लगी है, लेकिन कुछ दिन में यह साफ हो जाएगा। दावा किया जा रहा है कि वह एक वेब सीरीज का हिस्सा बनने जा रही है। इसमें उनका अवतार एकदम ही अलग होगा। वह नए क्लेवर के साथ पर्दे पर फैंस को एंटरटेन करती दिखाई देंगी। वह नए क्लेवर के साथ पर्दे पर फैंस को एंटरटेन करती दिखाई देंगी। सुंबुल तौकीर खान को स्टार प्लस के सीरियल इमली से काफी ज्यादा प्यार मिला था। फैंस ने उन्हें सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 16 में भी काफी पसंद किया। अब वह वेब सीरीज में अपना जलवा दिखाने आ रही हैं। डिज्नी प्लस हॉटस्टार की वेब सीरीज डियर इश्क में वह नजर आएंगी। इसमें वह एक इन्फ्लुएंसर की भूमिका में नजर आएंगी, जो कुणाल वर्मा की किताब को प्रमोट और सहबान अजीम को टक्कर देने की प्लानिंग करेगी। सुंबुल तौकीर खान ने अपने रोल के बारे में बात करते हुए बताया कि मैं फिक्शन शोज की फैन हूँ और बिग बॉस 16 के बाद मेरा ये पहला शो होगा जहाँ दर्शक मुझे बतौर एक्टर देखेंगे। मैं रोल को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और नर्वस भी हूँ। मैं इसमें अपना बेहतर देना चाहती हूँ। इसके अलावा यह चैलेंजिंग है क्योंकि दर्शक मुझे सुंबुल के रूप में देखने के आदि रहे हैं, ना कि एक एक्टर के रूप में। सुंबुल ने आगे बताया कि मैंने पहले भी आतिफ सर के साथ काम किया है और मैं उनके सेट पर जाने के लिए बेहद एक्साइटेड भी रहती हूँ। मैं उनके आसपास जब होती हूँ तो खुद को सहज महसूस करती हूँ, उतनी ही मैं उनकी भी इज्जत करती हूँ। मैं नियति से भी मिली, वह भी बहुत अच्छी है। अब तो मैं बस दर्शकों के रिएक्शन का इंतजार कर रही हूँ। बस आशा करती हूँ कि वह मुझे अलग अवतार में देखकर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करेंगे और एक बार फिर इमली की तरह ही मुझे पसंद भी करेंगे। बता दें कि आतिफ खान डियर इश्क को डायरेक्ट कर रहे हैं। यश और ममता पटनायक इसे बियॉन्ड ड्रीम्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले प्रोड्यूस कर रहे हैं। डियर इश्क सोमवार से शनिवार तक डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा। लोग इसे वहीं पर सुंबुल को देख सकेंगे।